हाय गाइस, मी अभिषेक एंड आई वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शाओमी के नया फोन रेडमी नोट 7 प्रो के बारे में। तो दोस्तों, ये फोन कब रिलीज होगी इंडिया में और ये इस फोन में क्या क्या खास बात है, क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या डिसएडवांटेज है, तो ये सारी जानकारी दोस्तों आज इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। दोस्तों तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो दोस्तों प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों, ताकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम वीडियोस और अच्छे से बनाते हैं दोस्तों। और दोस्तों आपको एक बात और बता दें कि दोस्तों हमारे चैनल पे दोस्तों वीडियोस बहुत लेट से आती थी दोस्तों, मेरी एग्जाम थी दोस्तों, इसलिए मैं बहुत लेट से ये वीडियोस डालता था दोस्तों, लेकिन अब आपको रेगुलर वीडियोस मिलेगी दोस्तों। एक दिन में दोस्तों दो वीडियो या फिर एक वीडियो आपको मिलेगी, मतलब सप्ताह के सात वीडियोस और हो सके तो 10 वीडियोस 12 वीडियोस आपको मिलेंगे दोस्तों। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, Xiaomi ने यहाँ पे लॉन्च करने वाला है इंडिया में एक और ब्रांड न्यू फोन, दैट इज Redmi Note 7 Pro। तो फ्रेंड्स, ये फोन ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है चाइना में और अब ये यहाँ पे इंडिया में लॉन्च होने की तैयारी चल रही है इस फोन की। तो फ्रेंड्स, ये जो फोन जो है ये फोन बहुत ही अच्छा होने वाला है और इसमें वाटर नॉच डॉट है, मतलब वाटर नॉच को यहाँ पे बोला जाता है, Xiaomi ने बोला है डॉट नॉच। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं इस फोन की बिल्ड क्वालिटी। तो दोस्तों बिल्ड क्वालिटी इस फोन की स्ट्रांग है, बट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं बोल सकते, बट फिर भी स्ट्रांग है, दिखने में बहुत ही कूल लगती है ये फोन। अगर सेल्फी का बात करें, इसमें सामने में 13 मेगापिक्सल का सेल्फी दिया गया है इस फोन में, जो कि आप बहुत अच्छे अच्छे फोटोज और सेल्फी ले सकते हैं विथ पोर्ट्रेट मोड, आप पोर्ट्रेट मोड में बहुत अच्छे फोटो ले सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं इसकी बैक कैमरा की। तो पीछे वाले कैमरे में दिया गया है इस फोन में 48+5 मेगापिक्सल का कैमरा, मतलब अगर आप प्रो मोड में फ़ोटो लेते हो तो आप 48 मेगापिक्सल का कैमरे से फ़ोटो ले सकोगे, नॉर्मल मोड में अगर फ़ोटो लेते हो तो 5 मेगापिक्सल से आप फ़ोटो ले सकोगे। ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी होने वाली है फ़ोटोज़ की। और दोस्तों यहाँ पे 6.3 का फुल HD डिस्प्ले यहाँ पे दिया गया है नोट 7 प्रो में, जो कि बहुत ही अच्छा यहाँ पे डिस्प्ले देखने को मिलेगा रेडमी नोट 7 प्रो में। तो दोस्तों अगर हम आगे बात करें इस फ़ोन के बाकी सारे प्रोसेसर के बारे में, तो दोस्तों इसमें स्नैपड्रैगन 675 यूज़ किया गया है, जो कि लेटेस्ट है इंडिया में और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे आपको मिलेगा, जो कि यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे 2 GHz का यहाँ पे प्रोसेसर यूज़ किया गया है इस फोन में, और गेमिंग के लिए भी यहाँ पे बहुत अच्छा सा GPU यूज़ किया गया है, 612 GPU यूज़ किया गया है इस फोन में, ताकि आपकी गेमिंग परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी होने वाली है फ्रेंड्स इस फोन में। और अगर हम बात करें तो ये फ़ोन इंडिया में कब तक लंच होगा, तो दोस्तों ये फ़ोन इंडिया में लंच होने वाला है 13 मार्च तक, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये फ़ोन इंडिया में आ जाए। दोस्तों ये फ़ोन ऑलरेडी चाइना में लंच हो चुका है, बट इंडिया में 13 मार्च तक हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये आ जाएगा। दोस्तों ये इंडिया में दो वेरिएंट में आएगा, एक 4GB रैम प्लस 64GB रोम और एक 6GB प्लस 128GB। और अगर हम प्राइस रेंज की बात कर लें तो 4GB रैम और 64GB रोम का प्राइस होने वाला है आई थिंक 13,999। और अगर बात करें हम 6GB रैम का, तो यहाँ पे इसका प्राइस होने वाला है 16,999, मतलब 17,000 के आसपास। तो दोस्तों ये फ़ोन पूरी तरह एंड्रॉयड पाई पे बेस्ड होगी, आपको बहुत सारे गेस्चर्स मिलेंगे यहाँ पे, जो कि एंड्रॉयड 9 पाई बहुत ही कूल परफॉर्मेंस देगा आपको, बैटरी बैकअप बहुत ही ज़्यादा अच्छा यहाँ पे होने वाला है आपका। और दोस्तों इसमें गोरिल्ला ग्लास 5 यूज़ किया गया है, जो कि बहुत ही अच्छा है, आपकी बैटरी 4000 mAh की दी गई है और ये क्विक चार्ज 4 को सपोर्ट करती है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा ये फ़ोन होने वाला है, अगर बजट के हिसाब से देखें तो बजट भी उतना ज़्यादा नहीं है, आप उतना ज़्यादा खर्च नहीं कर रहे हो, आई थिंक 14,000 इज मिड रेंज फ़ोन, यू नो यहाँ पे मिड रेंज फ़ोन में आपको बहुत अच्छा फ़ोन मिल जाता है ये यहाँ पे। और हम अगर बात करें तो यहाँ पे बाकी सारी परफॉर्मेंस हमें बहुत अच्छी लगी है, ये फ़ोन अब जल्दी से इंडिया में लॉन्च हो इसी की आसार है दोस्तों। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कॉमेंट कीजिएगा दोस्तों। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।